अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के अवसर पर आज झुंझुनू जिले को जंगल सफारी की सौगात मिली है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में विधिवत फीता काटकर पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री सहित जिले के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जंगल सफारी का आनंद उठाया। पर्यटन विभाग के निदेशक देवेंद्र चौधरी और DFO राजेंद्र हुड्डा ने कहा कि जंगल सफारी के दौरान पर्यटन हिरण सहित विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों को निहार सकते हैं। ये बीड फॉरेस्ट एरिया जो है झुंझुनू में, इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से राज्य सरकार का जो बजट घोषणा थी उसके अंतर्गत 128 लाख का करीबन विकास कार्यों के लिए बजट आवंटन हुआ था। कार्य अभी प्रगति पे हैं और वन विभाग के माध्यम से कार्य करवाए जा रहे हैं और आज 22 मई को इसमें सफारी के रूप में जो ये पर्यटकों का ऑफिशियली इसमें शुरुआत हो रही है, तो इससे यहाँ पे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। अभी तक तो अपना झुंझुनू और शेखावटी हवेलियाँ और जो विरासत के लिए जाना जाता था, अब इसमें इको टूरिज्म के बढ़ावे से पूर्णतः मतलब कंप्लीट पर्यटन हो जाएगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इससे विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर बीड झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में सफारी, जंगल सफारी का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये बेसिकली जो ग्रासलैंड और जाल का जंगल है इसमें हिरण और चिंकारा पाए जाते हैं और इस तरह से हमने ऑनलाइन सफारी का शुभारंभ कर दिया गया है। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आके प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी लेंगे, हमारा पर्यावरण संरक्षण होगा और काफ़ी रोजगार मिलेगा। जैव विविधता दिवस है और उस अवसर पर हमारे पर्यटन विभाग और वन विभाग ने सफारी के लिए इस झुंझुनू कंजर्वेशन बीड को खोला है। इससे पहले यहाँ बीकानेर से और दूसरी जगह से हिरण वगैरह यहाँ लाए गए, उस समय लगभग 50 के लगभग ये एनिमल लाए गए थे। अब यहाँ भी ब्रीडिंग शुरू हो गई है और उनकी संख्या जो हमें विभाग ने बताया 70 के आसपास पहुँच गई है।